गुड मॉर्निंग ट्रेनीज, आज हम अपने नए वीडियो के साथ आए हैं जिसका टॉपिक है सेलफोन। सेलफोन के बारे में सब लोग अवेयर होंगे और ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है अगर आप लोगों को समझ में आ जाए अच्छे से। तो चलिए फटाफट से इसके रिवीजन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रिवेशन IMEI। IMEI एक नंबर होता है जो कि सेलफोन के पीछे लिखा होता है सिम कार्ड में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है और ये सारे ही सेलफोन में अलग अलग IMEI नंबर दिया जाता है। तो इसी का ही फुल फॉर्म पूछा गया है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म और एब्रिवेशन ऑफ IMEI। तो ए ऑप्शन है इंटरनेशनल मोबाइल एनहांस्ड आइडेंटिटी, बी इज़ इंटीग्रेटेड मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, सी इज़ इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी एंड डी इज़ इंटरनेशनल मैसेज इन्हांस्ड आइडेंटिटी। तो फटाफट से इसका आंसर दीजिए। बिल्कुल सही, द करेक्ट आंसर इज सी, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है और इवन कि पूरे वर्ल्ड में ये नंबर आपको कहीं पे भी सिंगल नहीं दिखेगा। सबके नंबर, सबके टेलीफोन्स के जो भी सेलफोन सब्सक्राइबर्स होते हैं उन सब में ये नंबर हमें अलग अलग मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म एब्रिवेशन ऑफ FDD। FDD का फुल फॉर्म क्या होता है? ए ऑप्शन इज फ्रिक्वेंसी डेटा डुप्लेक्सिंग, बी ऑप्शन इज फ्रिक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्सिंग, सी ऑप्शन है हमारा फ्रिक्वेंसी डिजिटल डुप्लेक्सिंग एंड डी इज फ्रिक्वेंसी डिले डुप्लेक्सिंग। बिल्कुल सही आंसर, बच्चों ने आंसर्स देने स्टार्ट कर दिए हैं। द करेक्ट आंसर इज फ्रिक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्सिंग। तो FDD क्या होता है बच्चों, कि इसके अंदर जैसे हमारा मल्टीप्लेक्सिंग होता है, मल्टीप्लेक्सिंग इज ए कि बहुत सारे सिग्नल्स हमारे एक ही चैनल पे आके कंबाइंड होते हैं एंड अकॉर्डिंग टू द नीड, जो हमें सिग्नल्स चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम आफ्टर सेलेक्टिंग द सेलेक्टर लाइन्स हम क्या करते हैं, कोई भी एक डाटा हमारे क्या करता है, रिलीज़ करता है। तो इसको हम मैनी टू वन सेलेक्टर भी बोलते हैं। तो इसी तरीके से फ्रिक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्सिंग के अंदर भी होता है, हमारे बहुत सारी फ्रिक्वेंसीज होती हैं जो कि एक ही चैनल पे आ रही होती हैं, बट उसमें क्या होता है हमारा चेंजेस। सपोज़ ये बहुत सारी फ्रिक्वेंसी है, हमने इसे फिक्स कर दिया है, ठीक है। फॉर हम FM भी सुनते हैं तो FM के अंदर क्या होता है, हमारी बहुत सारी फ्रिक्वेंसीज एक ही टाइम पे आ रही होती है, बट आफ्टर ट्यूनिंग एक प्रॉपर चैनल अगर हमें सुनना है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, ट्यून। और ट्यूनिंग से ही क्या होती है, वो लाइन हमारी क्या होती है, सेलेक्ट हो जाती है। जैसे कि एक यूज़र एक टाइम पे अगर 106 FM सुन रहा है, ये वाला चैनल सुन रहा है, तो उसी बीइंग द टाइम दूसरा यूज़र हमारा 92.6 सुन सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर एक यूज़र ने ये सेलेक्ट किया है तो होल द चैनल हमारी वही फ्रिक्वेंसी सेलेक्ट हो रखी है। दिस इज़ किस वजह से नहीं हुआ है, ड्यू टू द FDD, फ्रिक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्सिंग, राइट। बहुत बड़ा टॉपिक है ये अपने आप में, तो मैंने कोशिश करी है कि छोटे में आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एब्रिवेशन EMS। EMS का फुल फॉर्म क्या होगा? एनहांस्ड मैसेज सर्विस, बी इज़ एनहांस्ड मोबाइल सर्विस, सी इज़ एनहांस्ड मॉड्यूलर सर्विस एंड डी इज़ एनहांस्ड मल्टीमीडिया सर्विस। तो EMS इज़ ए सिंपल एनहांस्ड मैसेज सर्विस। एक फुल फॉर्म है, सिर्फ उसका नाम बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रिवेशन NSS यूज्ड इन GSM आर्किटेक्चर। GSM के बारे में सबने पढ़ा होगा, GSM इज ग्लोबल सिस्टम मोबाइल। तो इसके अंदर जो हमारा NSS सिस्टम है उसको हम क्या एब्रिवेट करेंगे? ऑप्शंस हैं हमारे पास नेटवर्क स्टेशन सब सिस्टम, बी ऑप्शन इज नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम, डी सी ऑप्शन नेटवर्क सपोर्ट सब सिस्टम एंड डी ऑप्शन इज नेटवर्क सर्विस सब सिस्टम। बिल्कुल सही आंसर, बच्चों ने स्टार्ट कर दिए आंसर्स देना। बिल्कुल सही, नेटवर्क स्विचिंग सिस्टम। तो ये NSS सिस्टम क्या होता है, इसका काम क्या होता है कि नेटवर्क को प्रॉपर ये क्या करता है, स्विच करता है। फॉर एग्जांपल अगर आइडिया का नेटवर्क है तो वो आइडिया को स्विचिंग करेगा, एयरटेल का नेटवर्क है तो जब यूज़र कॉल सब्सक्राइबर कॉल करेगा तो
वो पर्टिकुलर रिसीवर को उस नेटवर्क पर कनेक्ट करने का काम कौन करता है, हमारा NSS, ठीक है। उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, उसका अलग फंक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वीडियो फॉर्मैट यूज्ड इन मल्टीमीडिया। बिल्कुल सही, क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही बच्चों ने आंसर दे दिया। कौन सा वीडियो फॉर्मेट यूज़ किया जा रहा है मल्टीमीडिया के थ्रू? द करेक्ट आंसर इज MPEG-1। तो एक बार बच्चों इन सब के फुल फॉर्म आप लोगों को चेक करनी है थ्रू नेट, बिकॉज ये फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। JPEG का क्या फुल फॉर्म है, WAV का क्या फुल फॉर्म है, MP3 का क्या फुल फॉर्म है, ठीक है। तो इनके फुल फॉर्म्स भी एक बार देख लेना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ CDMA कम्युनिकेशन सिस्टम? CDMA एंड GSM दो हमारे ब्रिक यूनिट हैं सेलफोन सिस्टम के, तो CDMA का क्या एडवांटेज है एज कम्पेयर टू GSM? ऑप्शन रीड करते हैं। ए ऑप्शन, लेस सिक्रेसी। बी ऑप्शन, मोस्ट एक्सेसिबल। सी ऑप्शन, इम्प्रूव्ड कॉल क्वालिटी। एंड डी ऑप्शन इज मल्टीपल फ्रिक्वेंसी बैंड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इम्प्रूव्ड कॉल क्वालिटी। बिकॉज जहाँ पे भी हम डिजिटल की बात कर लेते हैं, CDMA इज कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इसको आप लिख लो, ठीक है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। और इसके अंदर क्या होता है बच्चों, जो भी हमारा डेटा होता है जब वो रिसीवर पे रिसीव होता है या ट्रांसमिट होने से पहले, जो पूरा का पूरा डाटा होता है उसको डिजिटलाइज करके हम पर्टिकुलर कोडिंग में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो कोडिंग में डिवाइड करने से जो CDMA का बैंडविड्थ है वो क्या हो जाएगा, हमारा बढ़ जाएगा, जो कि ये इसका डिसएडवांटेज हम कर डिसएडवांटेज में काउंट कर लेते हैं कि CDMA का अगर डिसएडवांटेज पूछा जाता है तो यही बोला जाता है, बिकॉज इट हैविंग अ लार्ज बैंडविड्थ, जिसकी वजह से हमारी कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ जाती है। अदरवाइज CDMA इज मोस्ट पॉपुलर नेटवर्किंग जो कि हमारा इसके अंदर कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज़ होता है। क्यों? हाई सिक्रेसी बढ़ जाती है, ठीक है, एक्सेस करना इजी हो जाता है। सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें पूछी गई है इज़ इम्प्रूव्ड कॉल क्वालिटी, जो हमारी कॉल की क्वालिटी है वो क्या होती है, इम्प्रूव्ड हो जाती है बाई यूजिंग द CDMA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन कन्वर्ट्स द नैरो बैंड सिग्नल इंटू वाइड बैंड सिग्नल इन CDMA मोबाइल कम्युनिकेशन? इनमें से जो हमें नीचे दे रखा है ऑप्शन, इसमें से वो कौन सा डिवाइस है जो कि CDMA के नैरो बैंड मीन्स जो मैंने अभी बताया कि CDMA कंसिस्ट ऑफ ए हाई बैंडविड्थ, तो नैरो बैंड को हाई बैंडविड्थ में कन्वर्ट करेगा। अवर फर्स्ट ऑप्शन इज एंटीना, बी ऑप्शन इज स्प्रेडर, सी ऑप्शन इज कोड जनरेटर एंड डी इज वोकोडर। द करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? बिल्कुल सही, बी ऑप्शन इज स्प्रेडर। स्प्रेडर क्या है, जो भी हमारा कोडिंग है उसको क्या करेगा, वो कोड को तोड़ेगा, उसको कोडिंग में डिवाइड करेगा एंड देन उसको क्या करेगा, पर्टिकुलर टाइम स्लॉट के अंडर उसको क्या करेगा, प्लेस करेगा। ऐसा नहीं है, कभी भी आप कोई कम्युनिकेशन को देखो तो ऐसा नहीं है एक कोड हमने यहाँ दे दिया फिर इसकी कोड बिल्कुल साइड साइड में, ऐसे 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 नहीं दिया जाता। वी हैव सम गैप बिटवीन टू चैनल्स, क्यों? फॉर रिमूविंग द एलाइजिंग को रिमूव करने के लिए एक गैप दिया जाता है पर्टिकुलर, जिससे कि हमारा चैनल मिक्स ना हो। तो ये काम कौन करता है, और उसी वजह से क्योंकि हमारे ऑलरेडी कोड में डिवाइड होता है हमारा डेटा, और उसको फर्दर बीच में गैप देना होता है, जो कि काम कौन करता है, स्प्रेडर, जिसकी वजह से जो हमारा नैरो बैंड सिग्नल होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, वाइड बैंड सिग्नल में वो क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। और ये काम कौन करता है, स्प्रेडर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मैथड इज़ यूज टू रिड्यूस द इफ़ेक्ट्स ऑफ बस्ट एरर इन CDMA सिस्टम? बिकॉज कोई भी सिस्टम की हम बात करते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर होता है। तो बस्ट एरर क्या होता है? बस्ट एरर बेटा हमारा होता है, ये दो कॉन्जिक्यूटिव बिट्स क्या होती है, लगातार, जैसे मान लो हमारा एक डेटा है 101010 इस तरीके से, तो वन क्या है हमारी एक बिट, कॉन्जिक्यूटिव मीन्स वन के बाद कौन सी बिट आ रही है, तो ये हमारा कहलाता है कॉन्जिक्यूटिव, मीन्स लगातार जो बिट्स आ रही हैं उनके बीच में कभी कभी क्या होता है, एरर आ जाता है। सपोज 1010 करके ये सीरीज़ है,
अब जब हम रिसीवर पर रीड करते हैं तो 101010 ये रीड किया उसने, कहीं पे वो 01 रीड कर लेगा। तो दिस इज़ कॉल्ड द बस एरर, राइट। और ये किस वजह से होता है? मैक्सिमम ये पाया जाता है हमारे स्टोरेज मीडियम में, जैसे कि फ्लॉपीज होगी, सीडीज होगी, डीवीडीज होगी, इनमें पाया जाता है जब स्क्रैचेस हो जाती हैं हमारे डिस्क में। इसलिए हम क्यों बोलते हैं कि जो सीडीज हैं उसको हमें अच्छे से स्टोर करके एक कवर के अंदर रखना चाहिए, जिससे कि उस पर स्क्रैचेस ना आए। वंस द टाइम उस पर स्क्रैचेस आ जाएंगे तो क्या होगा, वो हमारी सीडी ख़राब हो जाती है, प्रॉपर रीड नहीं कर पाती है, या उसमें अगर आप म्यूज़िक वगैरह भी सुन रहे हो, कभी देखा हो आप लोगों ने, तो आप लोग इस इफ़ेक्ट को पहचान सकते हो कि हाँ भाई हमारी सीडी ख़राब हो रही है, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड द बस्ट एरर। और इसको हम ठीक कैसे करते हैं? फॉर करेक्शन एक एल्गोरिथम चलती है, ठीक है। एल्गोरिथम मीन्स कि एक सेट ऑफ कोड भेजा जाता है जिसके अकॉर्डिंग उस कोड को हम क्या बोलते हैं, रीड सोलोमन कोड। क्या बोलते हैं उसे? रीड सोलोमन कोड, ठीक है। तो इस कोड से क्या होता है कि हम प्रॉपर उसको जब भेजेंगे तो अगर हमारी कहीं पे भी कॉन्जिक्यूटिव बिट्स में वो प्रॉपर रीड नहीं कर पा रहा है तो उसको वो करेक्ट करके एंड देन फिर फर्दर वो ट्रांसमिट करेगा। तो इसका आंसर बताओ पहले कि कौन सा मेथड इसके लिए हम यूज़ करेंगे। ये तो बात हुई, हमने बस्ट एरर की बात करी कि बस्ट एरर होता गया है, तो कौन से मेथड को यूज़ करके हम इसको ख़त्म करेंगे? ए ऑप्शन इज़ इंटरलीविंग मेथड, बी इज़ इंटरलेसिंग, सी इज़ इंटरकनेक्टिंग मेथड एंड डी इज़ इंटरलूपिंग मेथड। बिल्कुल सही, द करेक्ट आंसर इज़ ए, इंटरलीविंग मेथड, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फीचर सपोर्ट्स ऑडियो मैसेजेस फ्रॉम कॉलर्स इन सेल फोन कम्युनिकेशन। सेल फोन संचार में कॉलर्स से ऑडियो संदेश की सुविधा को सपोर्ट करता है। ए ऑप्शन वॉइस रिकॉर्डर, बी ऑप्शन वॉइस मेल, सी ऑप्शन इज वॉइस डायल एंड डी ऑप्शन इज कॉलर आईडी। बिल्कुल सही आंसर है जो कि बच्चों ने इसका दिया, द करेक्ट आंसर इज वॉइस मेल, ठीक है। वॉइस मेल आता है ना, पता है आप लोगों को, वॉइस मैसेजेस आजकल भेजने का ट्रेंड बन गया है कि अगर कॉलर रिसीव नहीं करता है फ़ोन तो वो क्या होता है, वॉइस मैसेज, वॉइस कॉल कर सकता है। तो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सर्किट यूजेस फ्रिक्वेंसी हॉपिंग टेक्निक। फ्रिक्वेंसी हॉपिंग क्या होता है, पहले ये समझने की बात है। फ्रिक्वेंसी हॉपिंग को हम FHSS भी बोलते हैं, ठीक है। इस मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड ऑफ ट्रांसमिटिंग रेडियो सिग्नल्स बाय रैपिडली चेंजिंग द कैरियर। कैरियर को हम क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूसली चेंज करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल, ठीक है। मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग हम कैरियर को चेंज करते रहते हैं, दिस इज कॉल्ड द फ्रिक्वेंसी हॉपिंग। हॉपिंग मीन्स बना लेना उस चीज़ को, तो ये होता है हमारा फ्रिक्वेंसी हॉपिंग, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम किस सर्किट से प्रोटेक्ट करते हैं? ए ऑप्शन इज सैटेलाइट, बी इज मिलिट्री, सी इज एरोनॉटिकल एंड डी इज ओशनोग्राफी। बिल्कुल द करेक्ट आंसर इज बी, बी क्या है हमारा, मिलिट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट इज़ द पर्पज़ ऑफ एनकोडर इन CDMA सिस्टम। CDMA सिस्टम के अंदर जो हमारा एनकोडर दिया हुआ है इसका क्या पर्पज़ होगा? बिल्कुल सही, बच्चों ने आंसर्स देने शुरू कर दिए हैं। एक बार मैं ऑप्शंस रीड करती हूँ। ए ऑप्शन है टू रिड्यूस बैंडविड्थ, बी ऑप्शन टू मैनेज RF ट्रांसमिशन, टू बिल्ड रिडंडेंसी इनटू द सिग्नल, टू मैनेज द स्विचिंग फंक्शन। द करेक्ट आंसर इज टू बिल्ड रिडंडेंसी इन द सिग्नल, यानी कि जो बेकार के एरर्स आ रहे हैं उसको रिमूव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिस्टम सपोर्ट्स द मेंटेनेंस ऑफ GSM नेटवर्क। अभी हमने पीछे भी GSM का एक क्वेश्चन किया था जिसके अंदर NSS की बात करी गई थी। इसके अंदर अब वो पूछ रहा है कि कौन सा सिस्टम, ऑप्शंस दे रखे हैं, कौन सा सिस्टम हमारा मेंटेन करने के काम आएगा GSM नेटवर्क के अंदर। मेंटेनेंस में हमारी सारी चीज़ें आ जाती हैं, कंट्रोलिंग द ट्रैफिकिंग,
और स्विच कंट्रोल करना, नेटवर्क्स को कंट्रोल करना, बिलिंग, ठीक है। तो ये काम किसके सपोर्ट में रहेगा? बिल्कुल OSS। द करेक्ट आंसर इज सी, ऑपरेशनल सपोर्ट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ द जियोग्राफिकल एरिया अंडर वन बेस स्टेशन विद ए सिग्नल ट्रांसमीटर एंड रिसीवर इज रेफर्ड। एक ट्रांसमीटर और रिसीवर के साथ एक बेस स्टेशन के तहत भौगोलिक क्षेत्र को कैसे संदर्भित किया जाता है? द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, सेल। क्या होता है बच्चों, सपोज मान लो ये पूरा एरिया है, ठीक है। इस एरिया के अंदर पहले हमारा एक सेल होता है, बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं हमारे, क्लस्टर्स। और बहुत सारे क्लस्टर्स बना मिलके हमारे क्या बना देंगे, सेल साइट। और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाता है बाय द सेल साइट, देन इट इज़ कॉल्ड द हनीकॉम। तो उसने ये क्वेश्चन पूछा है कि एक बेस स्टेशन होगा, एक सिग्नल सिंगल ट्रांसमीटर होगा और एक ही रिसीवर होगा। तो ये हमारा एक एक किसमें होगा, सेल, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 155, व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड ग्रुप ऑफ कोड्स इन द IMEI नंबर GG00033792410 8। थर्ड ग्रुप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मींस ये ग्रुप थर्ड, ये वन हो गया, ये टू हो गया और ये थर्ड। थर्ड ग्रुप हमारा क्या दर्शाता है IMEI नंबर के अंदर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके किसी भी ग्रुप के बारे में आपसे पूछा जा सकते हैं, जैसे कि इसने थर्ड ग्रुप के बारे में बोला है, ठीक है। तो ए ऑप्शन है हमारा काउंटर कोड, बी ऑप्शन इज सीरियल नंबर, सी ऑप्शन इज मॉडल नंबर एंड डी ऑप्शन इज नेटवर्क कोड। बिल्कुल सही, द करेक्ट आंसर इज डी, सीरियल नंबर। तो जो हमारा बी है, जो हमारा थर्ड ग्रुप है, इट शोज अवर सीरियल नंबर ऑफ पर्टिकुलर मोबाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LTE का फुल फॉर्म क्या है? ये हमने पहले भी पढ़ रखा है। तो LTE का फुल फॉर्म मैं फटाफट से ऑप्शंस रीड करती हूँ, आप लोग फटाफट से आंसर दीजिए। ए ऑप्शन है लॉन्ग टर्म इवेल्यूएशन, बी ऑप्शन इज लेवल टेस्ट इक्विपमेंट, सी इज लो ट्रांसमिशन इक्विपमेंट एंड डी इज लेयर टर्मिनोलॉजी एनहांसमेंट। बिल्कुल सही, द करेक्ट आंसर इज ए, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। अब तो 5G आ रहा है, उसके बारे में भी पढ़ना शुरू कर दो आप लोग, अपने आप को अपडेट रखिए, बिकॉज यू आर द इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनीज। व्हाट इज द टेम्परेचर सेटिंग इन सोल्डरिंग स्टेशन टू सर्विस द वाटर डैमेज मोबाइल फोन? अगर आपका फ़ोन पानी में गिर गया है तो उसके अकॉर्डिंग उसको ठीक करना है, तो उसको ठीक करने के लिए हमारा सोल्डरिंग स्टेशन का कितना टेम्परेचर रहेगा? ए है 150 डिग्री सेल्सियस, बी इज 250 डिग्री सेल्सियस, सी इज 350 डिग्री एंड डी इज 450 डिग्री। बिल्कुल सही आंसर दिया, बी ऑप्शन होगा इसका आंसर। हमें उस मोबाइल फ़ोन को ठीक करने के लिए 250 डिग्री सेल्सियस पे अपने सोल्डरिंग स्टेशन को सेट करना पड़ेगा, सोल्डरिंग आयरन को सेट करना पड़ेगा, जिससे कि वो प्रॉपर जो भी वाटर हो उसको सक कर सके, सोख सके और हमारा कॉम्पोनेंट प्रॉपर चल सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लॉक प्रिवेंट्स द ऑपरेशन ऑफ मोबाइल फोन बाय द यूजर? कौन सा लॉक उपयोगकर्ता द्वारा मोबाइल फोन का संचालन रोकता है? ए ऑप्शन सिम लॉक, IMEI लॉक, कीपैड लॉक एंड सॉफ्टवेयर लॉक। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना बच्चों, क्योंकि उसने इस क्वेश्चन में सिर्फ मोबाइल यूजर के बारे में बात कर रखी है, ठीक है। तो मोबाइल यूजर का काम की पैड लॉक से सिंपली चल सकता है। सिम लॉक, IMEI सॉफ्टवेयर, ये सब कब होता है? जब हमारा फ़ोन चोरी हो जाता है या हमारे फ़ोन के साथ कुछ और मिसहैपनिंग होती है, उस केस में इन टाइप्स के लॉक का हम यूज़ करते हैं। तो जस्ट फॉर द यूज़र, यूज़र यानी हम लोग, उपयोगकर्ता जो भी फ़ोन को यूज़ कर रहा है उसको अगर लॉक करना है तो वी विल यूज़ की पैड लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कोड इज मार्क्ड बाय द फर्स्ट टू डिजिट इन द IMEI नंबर ऑफ सेल फोन? अभी उसने थर्ड ग्रुप का पूछा, अब उसने फर्स्ट ग्रुप का पूछा है, कि जैसे अभी पीछे हमने पढ़ा GG करके था, तो जो फर्स्ट हमारा कोड है, फर्स्ट टू डिजिट, वो क्या शो करता है? ऑप्शन रीड करती हूँ फटाफट से, सीरियल कोड, मॉडल कोड, कंट्री कोड एंड नेटवर्क कोड। द करेक्ट आंसर इज कंट्री कोड को वो
शो करता है जो कि हमारा फर्स्ट टू डिजिट होता है IMEI नंबर। एक बार मैं क्वेश्चन को पीछे दोबारा दिखा देती हूँ आपको, दिस विल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस इज यूज टू करेक्ट द करप्टेड सॉफ्टवेयर इन सेलफोन। सेलफोन में दूषित कंट्रैक्टेड सॉफ्टवेयर को ठीक करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन यूनिवर्सल फाइल स्टोरेज, बी ऑप्शन यूटिलिटी फंक्शन स्टोरेज, सी ऑप्शन यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज एंड डी इज अनलॉकिंग फ्लैश स्टोरेज। आंसर बताओ बच्चों इसका फटाफट से। बिल्कुल द करेक्ट आंसर इज सी, यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ IMEI नंबर इन सेल फोन। IMEI नंबर का सेल फोन में होने का क्या उद्देश्य है, सबको पता होगा ये। ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन एक्सेस नेटवर्क, बी ऑप्शन प्रोटेक्ट डाटा सिक्योरिटी, सी ऑप्शन इज रिकॉग्नाइज मेमोरी एंड डी ऑप्शन इज आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक डिवाइस। द करेक्ट आंसर इज, बिल्कुल सही, आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक डिवाइस। अभी मैंने पीछे भी डिस्कस किया था IMEI नंबर क्या होता है, जब हमारा फोन खो जाता है या चोरी हो जाता है तो बाय यूजिंग द IMEI नंबर हम अपने फ़ोन को सर्च कर सकते हैं कि वो डिवाइस हमारा पर्टिकुलर कहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेक्नोलॉजी अलाउज कंपैटिबल डिवाइस टू एक्सेस द डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर नेटवर्क। कौन सी तकनीक कंप्यूटर नेटवर्क से संगत उपकरणों को डेटा एक्सेस करने की अनुमति देती है? ए ऑप्शन IR टेक्नोलॉजी, बी ऑप्शन इज वायरलेस फिडेलिटी, सी ऑप्शन इज ग्लोबल पोजिशनिंग एंड डी ऑप्शन इज पावर पॉइंट ट्रैकिंग। आंसर बताओ इसका फटाफट से बच्चों। बिल्कुल सही, द करेक्ट आंसर इज वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्रिक्वेंसी बैंड इज लाइसेंस फ्री फॉर ब्लूटूथ एंड वाईफाई यूजर। कौन सा फ्रिक्वेंसी बैंड हमें लाइसेंस फ्री, मींस कि ब्लूटूथ और वाईफाई उपयोगकर्ताओं के लिए कौन सा फ्रिक्वेंसी बैंड लाइसेंस मुफ्त होता है? जैसे कि बैंडविड्थ को परचेज करने के लिए हमें उसका पे करना पड़ता है, बट ऐसे भी बैंड्स हमारे होते हैं जो कि वाईफाई एंड यूज़र्स हम लोग क्या करते हैं, फ्री में डेटा को एक्सचेंज करते हैं, तो उसके लिए कौन सी फ्रिक्वेंसी बैंडविड्थ को सेलेक्ट कर रखा है कि ये फ्रिक्वेंसी पर्टिकुलर आपके लिए फ्री है? तो ए ऑप्शन इज 1.2 GHz, बी इज 2.4 GHz, सी इज 4.3 एंड डी इज 5.1। आंसर बताओ इसका। बिल्कुल सही, बी ऑप्शन होगा इसका आंसर। 2.4 GHz की जो फ्रिक्वेंसी रेंज है उसको हम क्या करते हैं, फ्री कर देते हैं फॉर BT एंड वाईफाई यूजर्स, ठीक है। इसीलिए जो हमारा ट्रांसमिशन होता है विदाउट एनी वायर और फ्री मींस वायरलेस जो हमारा ट्रांसमिशन होता है, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्वेंसी 2.4 GHz, उसके लिए हमारी फिक्स कर दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ वन और मोर सोलर पैनल्स पुट टुगेदर ऑन ए रैक फेसिंग द सन इन सोलर इलेक्ट्रिक सिस्टम। सोलर इलेक्ट्रिक सिस्टम के अंदर सूरज के सामने कर रहे एक रैक पर एक या एक से अधिक सौर पैनलों का क्या नाम होता है? ए ऑप्शन सेल, बी ऑप्शन इज मॉड्यूल, सी ऑप्शन इज एरे एंड डी ऑप्शन इज फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल। बिल्कुल सही, अगर एक या एक से ज़्यादा पैनल्स या एक या एक से ज़्यादा किसी भी चीज़ की हम बात कर रहे हैं और वो एक ही ग्रुप में खड़े हुए हैं तो दैट टर्म इज कॉल्ड द एरे, ठीक है। तो थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 165, विच डिवाइस इज यूज टू रिलोड द मोबाइल फोन विद द करेक्ट सॉफ्टवेयर फॉर सर्विसिंग। करेक्ट सॉफ्टवेयर सर्विसिंग के लिए हम कौन से डिवाइस का यूज़ करते हैं ये हमें बताना है। तो ए ऑप्शन है यूज़ USB डिवाइस, बी इज़ यूटिलिटी फ्लैश स्टोरेज, सी इज़
यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज एंड डी इज माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड डिप्लेक्सर. द करेक्ट आंसर इज सी. यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज का हम यूज़ करते हैं फॉर करेक्ट द सॉफ्टवेयर फॉर सर्विसिंग. अगर हमारा फ़ोन सर्विसिंग के लिए जाता है तो पहले वो सॉफ्टवेयर को क्या करेगा, यूनिवर्सल एक फ्लैश स्टोरेज मार्केट में अवेलेबल होता है. इसके बारे में आप और भी जानकारी पढ़ सकते हो गूगल के थ्रू. ठीक है, फ्लैश स्टोरेज सिंपली सेकेंडरी मेमोरी और नथिंग एल्स, अगर सिंपल समझना है तो. तो इसके लिए हमारा यूनिवर्सल है. यूनिवर्सल मीन्स कि जो सब में लग जाए, तो उस टाइप के फ्लैश स्टोरेज का हम यूज़ करते हैं फॉर डूइंग दिस पर्पस. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वायरलेस टेक्नोलॉजी लिंक इज़ यूज फॉर मोबाइल डेटा ट्रांसफ़र. कौन से वायरलेस टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं मोबाइल डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए. बिल्कुल सही आंसर बच्चों ने दिया. इसका आंसर होगा बी. एक बार मैं फिर भी ऑप्शंस रीड करती हूँ. ए बारकोड नहीं होगा. ठीक है, बारकोड ऑब्वियस नहीं होगा. बी इज़ ब्लूटूथ. बी टी का हम यूज़ करते हैं. इंफ्रारेड रेज नहीं होगा. एंड मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क इट इज़ ऑल्सो नॉट एन ऑप्शन. तो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, ब्लूटूथ. नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिवाइस सेफ गार्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक इन द इवेंट ऑफ शॉर्ट सर्किट. कौन सा सेफ गार्ड हम यूज करते हैं फॉर शॉकिंग. अगर शॉक हो रहा है तो उसके लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं. ए ऑप्शन इज प्री एम्पलीफायर, बी इज सर्ज प्रोटेक्टर, सी इज सोलर रेजिस्टेंस एंड डी इज चार्ज कंट्रोलर. इसका आंसर बताओ बच्चों फटाफट से, जल्दी बताओ. बिल्कुल सही, द करेक्ट आंसर इज सर्ज प्रोटेक्टर. क्या होता है ये सर्ज प्रोटेक्टर, मैं थोड़ा सा आप लोगों को हिंट दे देती हूँ. आप लोगों ने सबने एक्सटेंशन बोर्ड्स देखे होंगे कि कहीं पर भी आप मल्टीपल फैक्ट्रीज में चले जाइए या कहीं पर भी बड़ी यूनिट में चले जाइए, वहाँ पे सॉकेट्स एक या दो लगे होते हैं. बट उसमें ऐसा नहीं है कि एक सॉकेट एक स्विच हो और उसके साथ आप बहुत सारे प्लग्स को लगा दो. नहीं, वी आर यूजिंग द एक्सटेंशंस जिसको हम सर्ज प्रोटेक्टर भी बोलते हैं इन अ टेक्निकल टर्म. इस डिवाइस को लगाने से क्या होता है, जो हमारी वोल्टेज की सडनली स्पाइक्स आती हैं तो उससे हम अपने सर्किट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द सर्ज प्रोटेक्टर एंड दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो ऑन द बेसिस ऑफ सेल फोन. होप आप लोगों को अच्छी लगी होंगी. अगर अच्छी लगी तो इसे मैक्सिमम लाइक्स एंड शेयर करिएगा. ठीक है, थैंक यू, बाय बाय.